तो बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो सिंपल डेफिनेशन है कि मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, हमने लास्ट जो है लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज मास नंबर। तो जो मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो केवल एक नंबर होता है, यूनिटलेस नंबर होता है, और वो काउंट करने में काम आता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या को। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, मास, एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम का मास है, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। अब जब एटम का मास हम काउंट कर रहे हैं तो हम ये देख चुके हैं कि एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मुझे तीनों का मास कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ देंगे कैलकुलेशन में से। हमें किसको कैलकुलेट करना है, सिर्फ प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को। ठीक है, हमें जान चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सिमिलर है। ठीक है ना, थोड़ा सा उनमें फ़र्क है। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एज ए पार्टिकल काउंट करना चालू कर देते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल किसके अंदर पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और न्यूक्लियॉन हम प्रोटॉन को ही बोलते हैं, और न्यूक्लियॉन हम न्यूट्रॉन को ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए पहले किस चीज़ पर नज़र रखनी होगी कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि जैसे फॉर द एग्जांपल हमने बात की हीलियम एटम की, रिप्रेजेंटेशन हम सीख चुके हैं, 2He4 हम लिखते हैं इसे, दो का मतलब एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें दो। ठीक है, और चार का मतलब मास नंबर, इसका मतलब चार इसका मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। अगर मैं ये संख्या यहाँ रखूँ तो न्यूट्रॉन मेरे पास कितने आ जाते हैं, दो आ जाते हैं। ठीक है, मुझे पता लग गया कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस इसमें रखा हुआ है हीलियम में, जिसमें दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं, और इनके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल होने की वजह से हम हटा देते हैं। अब हमें सिर्फ किसको कंसिडर करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, चार पार्टिकल हैं, तो मैं इनको ही बोलूँ कि देर आर फोर पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस जिनको मुझे कंसिडर करना है। और इन चार पार्टिकल को हम क्या बोल देंगे कि देर आर फोर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब इनका मास जो कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये मास हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, कि कितना कितना मास है। इसका मास हम देख चुके हैं 1.67 × 10⁻²⁷ kg, इतना ही मास लगभग न्यूट्रॉन का है। तो हम इन पार्टिकल का मास कैलकुलेट करने के लिए हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मास की, वो कौन सी है, AMU। फुल फॉर्म क्या है इसकी, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो ऐसा होगा कि अगर मैं kg में रिप्रेजेंट करूँ मास को, एटम के मास को, तो बहुत इतना दिखता नहीं है पार्टिकल, उसका मास इतना कम होगा कि केजी और ग्राम उसके लिए बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम एक बिल्कुल छोटी यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है एटॉमिक मास यूनिट। तो या फिर इसको जो है हम यू से भी लिख सकते हैं सिंपली, यू का मतलब यूनिफाइड मास होता है, यू का मतलब यूनिफाइड मास। चलिए, तो हमने एक यूनिट इंट्रोड्यूस कर दी, वो है MU। तो 1 MU इज अप्रोक्स 1.66 × 10⁻²⁷ kg। ठीक, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 1 MU। अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास इट इज ऑल्सो सिमिलर टू 1 MU। ठीक है, अगर मैंने हीलियम एटम के बारे में बात की और मैंने कहा कि हीलियम में चार पार्टिकल थे, ठीक है, चार पार्टिकल थे, और एक पार्टिकल का मास मैं 1 MU मान लूं, तो इनका मास कितना हो जाएगा, 4 MU, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 MU। इसका मतलब 4 MU जो आया है, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एलिमेंट। अब आपको ये तो पता ही लग गया है
कि 1 AMU कितना केजी के बराबर है। अगर ग्राम में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो 1.66 × 10⁻²⁴ और यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं 10⁻²⁴ और ग्राम, ग्राम में इतना होगा 1 kg = 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब मुझे हीलियम के बारे में पता लग गया, तो मैं एक जनरल बात करता हूँ कि एक जेड एक्स ए एलिमेंट है, आप ध्यान रखोगे इस नंबर पर, ये नंबर आपका है मास नंबर, ठीक है, जिसकी यूनिट नहीं होगी, ये संख्या है केवल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस ए के साथ एक यूनिट लगा दोगे एमयू, तो ये बन जाएगा एटॉमिक मास। इसका मतलब अगर सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ 11 Na 23, तो इसका मतलब मुझे ये संख्या आवश्यक है, ये मास नंबर है सोडियम का, इसका मतलब सोडियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कितने 23, और हमने हर पार्टिकल का मास माना है 1 AMU, तो सोडियम के एटम का मास हो गया, इसका एटॉमिक मास हो गया = 23 AMU। अगर मैं इसे केजी में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 23 × 1.66 × 10⁻²⁷ kg, और ग्राम में लिखना चाहूँ तो 23 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। यो अब अगर सपोज कीजिए कि हमसे बोला जाए कि 5 atoms of sodium, तो इस सैंपल का मास क्या होगा, आर प्रेजेंट, ठीक है, मास ऑफ सैंपल, हमसे पूछ लिया मास ऑफ सैंपल क्या होगा। अब आप क्या करोगे, हमें एक एटम का मास पता होना चाहिए जो हमने निकाल लिया एटॉमिक मास 23 MU, और संख्या में कितने एटम्स दिए हुए हैं 5, तो ये मिलाकर जो है यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 115 MU इस सैंपल का मास हो गया। इससे मैं एक फार्मूला लिख सकता हूँ कि अगर किसी सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सैंपल लिखेंगे, ठीक है, मास ऑफ सैंपल हमने लिखा किस में, एमयू में, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे हम किससे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास में किस में होना चाहिए, इन एमयू। तो अगर हम यूनिट सेम रखते हुए कैंसिल आउट करेंगे दोनों टर्म को तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल हमने बोला था 115 MU सोडियम सैंपल है, ठीक है, तो अब इसमें एटम्स कितने हैं, तो ये सैंपल दे रहा है, सैंपल में अगर मुझसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर देयर, तो सिंपली क्या करना है, सैंपल 115 MU और एटॉमिक मास मैंने निकाला था अभी 23 MU, कैंसिल आउट हुआ यूनिट से यूनिट, तो ये आ गया 5 atoms आर। तो आज हमने यहाँ क्या सीखा है कि एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उम्मीद है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हाट इज मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक तरह से उसमें न्यूक्लियस का मास है, आपको पार्टिकल गिनने हैं, पार्टिकल के साथ यूनिट लगा देंगे एमयू तो एटॉमिक मास बन जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल ही मेंशन कर रहा हूँ तो वो मास नंबर होगा, तो सोडियम का मास नंबर 23, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 23 पार्टिकल है जो कि कॉम्बिनेशन है प्रोटोन और न्यूट्रॉन का, ठीक है ना, और इस मास नंबर जो है 23 इसके साथ यूनिट में एमयू लगा दूँ, क्योंकि हर पार्टिकल का मास कितना मान रहे हैं हम, 1 AMU, तो 23 अगर मैं यहाँ पे एमयू लगा दूँ तो मेरे पास जो है ये एटॉमिक मास आ जाएगा, और एक एटम का मास पता लग गया, मुझसे पूछा जाए हाउ व्हाट इज द मास ऑफ 5 atoms ऑफ सोडियम, तो 5 से गुणा कर देंगे, और अगर सैंपल का मास दिया है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एटम्स, ठीक। चलिए, थैंक यू।